हुजनों के अंदर बहुत सारी जातियां बना दी गई हैं, लेकिन उसके अंदर जो दो जातियां बनाई हैं, टचेबल और अनटचेबल, क्या होता है वो जरा व्याख्यान करें। हाँ, ऐसा था कि जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है उसमें जो जातियाँ ज़्यादा घृणित अवस्था में थीं उनको वो जो है उन्होंने जो उनको छूना जो है अपराध है, और कुछ जातियाँ ऐसी थीं जैसे अभी रामदेव का जिक्र आया तो वो यादव वर्ग का था, तो कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको हम छू सकते थे, कुछ वर्ग जो हम लोग जिस वर्ग में आते हैं जो निचली श्रेणी के वर्ग हैं, चार वर्ण क्या बल्कि पंचम वर्णीय, बाबा साहब ने एक बार लिखा है कि हम चार वर्णों में भी नहीं हैं, हम पंचम वर्णीय हैं। और अगर हम एक इतिहास को उठाकर देखें, चूँकि ये विषय छिड़ गया है, एक इतिहास को उठा करके देखें कि मैंने इतिहास में पढ़ा है कि जब ये सवर्णों का और ये शूद्रों का आपस में जब ये झगड़ा हुआ तो जिन लोगों ने उनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया वो लोग जो शूद्र वर्ग में आ गए उसमें भी कई विभाजन हो गए, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था मैंने पढ़ा है कि उन्होंने हिंदुओं की दास्ता को स्वीकार नहीं किया, वो एक आप अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा अतिशूद्र और अतिशूद्र के अलावा एक वर्ग और है जो घुमंतू जातियाँ जिन्हें आप देखते हैं, वो घुमंतू जातियों भी इतिहास में बाबा साहब ने लिखा है कि वो घुमंती जातियों का इतिहास ये रहा है कि उन्होंने किसी भी कीमत पर उस समय की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया तो उनको जो है बाहर खदेड़ दिया गया, वो लोग जो बाहर खदेड़े गए उन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, वो बाहर चले गए जंगलों में रहने लगे और उनका आदिवासी और दूसरे घृणित रूप से आज भी उनका स्वरूप वैसा ही बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमको आपकी राज सत्ता की कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप देखते हो न उनके कोई राशन कार्ड है न उनका कोई आधार कार्ड है कुछ भी है, लेकिन वो घुमंतू जातियाँ जो थीं वो उन्होंने जो शोषण बर्दाश्त नहीं किया उनको जब निकाल दिया गया तो वो जंगल में चली गई, आज भी वो जंगल में जो है वैसा ही अपना जो है जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपने देखा होगा गढ़िया लोहार ये दूसरे राजस्थान वगैरह जो पड़े हैं ये जो इस तरह की घुमंतू जातियाँ हैं ये भी हमारे वर्ग के लोग थे। तो इसमें अगर बंटवारे की बात करें तो ये बंटवारा कोई छोटा मोटा बंटवारा नहीं है, 6000 जातियाँ तो वो हैं और 6000 जातियों में शूद्र वर्ग में भी हम नहीं हैं, हम अतिशूद्र वर्ग में भी आते हैं, और अतिशूद्र वर्ग के अलावा एक वर्ग ऐसा भी है कि अतिशूद्र वर्ग में भी नहीं आता और उसने जो है हिंदुओं की दास्ता को स्वीकार नहीं किया तो वो लोग जंगल में चले गए, आज भी वो लोग जंगल में मतलब कहने का है कि अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म की जो पद्धति रही कि आगे चल कर के अगर ये एक हो जाते हैं और एक होने के बाद में जब इनमें एक होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं था, अगर आप इतिहास को उठा करके देखें तो आपको ये पता लगेगा कि सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले शिक्षा की नींव डाली, हम लोगों को शिक्षा से वंचित था, तो उनके दिमाग में ये बात तो था कि एक होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब विद्या का विकास से हम इनको वंचित कर दिया तो इनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आएगी कि हमारा कोई वर्ग शोषण कर रहा है, हम शोषण को सह रहे हैं, उसको सहने की समझ उसको समझ जो है वो इनको कभी नहीं आएगी क्योंकि शिक्षा को इनसे दूर रखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो हमको जो कुछ हमारा जो विकास हुआ सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले विद्यालय खोला, तो आप उस समय का इतिहास उठा करके देखेंगे तो उस विद्यालय में 6 लड़कियों को बमुश्किल उन्होंने प्रवेश दिया, और प्रवेश के बावजूद भी उसमें बड़ा लंबा चौड़ा मतलब एक उसका इतिहास है और उसमें जो है खैर वो मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ज्योतिमा फुले से पहले का अगर युग उठा करके देखें तो हम लोग विद्या से बिल्कुल वंचित थे, बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको जो संवैधानिक अधिकार दिए उससे अगर डॉक्टर अम्बेडकर से पहले का भी अगर आप इतिहास उठा करके देखें जो अंग्रेज़ों का इतिहास रहा है, जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों के समय में हमें थोड़ी बहुत राहत मिली और उन्होंने हिंदू पद्धति को न मान करके उन्होंने जो है यहाँ के भारतीय शूद्रों को थोड़ी बहुत राहत दी और जो कुरीतियाँ थी हिंदू धर्म में उनका विरोध करके हमको थोड़ी बहुत राहत मिली। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।